सर आदमजी इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सा इंस्टीट्यूट है, बहुत कहना चाहिए खूबसूरती से इसको बनाया गया है और इसके में जो डिफरेंट इसके जो कहना चाहिए व्यूज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम सारे के सारे आपको दिखाऊंगी। और साथ साथ यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी हैं जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से, यानी कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी बहुत आगे हैं। और यहाँ से अगर मैं ऊपर से एक व्यू देखूँ इसका तो बड़ा ही खूबसूरत आ रहा है। आपको देख सकते साथ साथ यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा सा एक पिक है जो आपको अभी मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे कि स्पोर्ट्स के हवाले से भी काम करते हैं। और ये बिजली बजने की आपको आवाज़ आ गई, यानी कि कॉलेज का टाइम जो है वो ऑफ हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से कहना चाहिए ना कि अपने घरों की तरफ जाते हैं और बस अब छुट्टी जो एक खुशी होती है चेहरे पे कि जी अब छुट्टी हो गई, अब हम घर जाएंगे और घर जाके अलग प्लानिंग होगी। चलिए देखते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रिंसिपल सर आदमजी कॉलेज प्रोफेसर खावर मजीद मुखातिब हूँ आपसे। ये कॉलेज आज से 18 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था और सिर्फ 27 स्टूडेंट के साथ इसने काम शुरू किया था और आज माशाल्लाह मोर देन 800 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर विद 60+ स्टाफ मेंबर्स और ऑल्सो। तो कॉलेज ने काफ़ी तरक्की की। मकसद इस कॉलेज का ये था कि आसपास के जो लोग हैं उनके बच्चों को अच्छी तालीम दी जा सके। इस मकसद के लिए आदमजी कॉलेज, गवर्नमेंट आदमजी साइंस कॉलेज वालों ने ही ये दोबारा ये प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज खोला था जिसका नाम सर आदमजी कॉलेज रखा गया था फिर। और माशाल्लाह ये कॉलेज अपना नाम शहर में कर रहा है, इसके बच्चे पोजीशंस ले रहे हैं। स्पोर्ट्स में हमारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं। हर तरह का स्पोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है जो कि कराची के इसका तालीमी इदारों में बहुत कम मैसर हैं ये चीज़ें, ये सहूलतें। इंटर कॉलेजिएट टेबल टेनिस चैम्पियन टूर्नामेंट के हम लोग चैम्पियन हैं पिछले 2 साल से। और उसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस और दीगर मुख्तलिफ गेमों पर जो है हमारे यहाँ इनकाद किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इंटर कॉलेजिएट डिक्लमेशंस, इंटर कॉलेजिएट क्विज़ कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेजिएट नात तिलावत कॉम्पिटिशन्स एट्सट्रा। अब मैं बात करता हूँ 6 सितंबर के हिसाब हवाले से। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख़ का एक इंतहाई यादगार दिन है। हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी न्यू जनरेशन जो है वो मेरा ख़्याल में उसकी अहमियत से पूरी तरह आगाह नहीं है कि किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान का जो अज़ली दुश्मन है उसने पाकिस्तान पर हमला किया था और किस तरह से हमारे लोगों ने और उसके बाद अफवाज ने उनका भरपूर तरीके से जवाब दिया था। एक वक्त था कि जब एक लम्हे में वो लोग लाहौर का बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, लेकिन उसके बाद हमारे लाहौर के शहरियों ने मुकाबला किया और फिर पाकिस्तानी फ़ौज आ गई। उन्होंने उसको इसी जंग के अंदर स्क्वाड्रन लीडर M.M. आलम ने, जो बाद में प्रमोट हुए या कमोडोर हुए, उन्होंने 1 मिनट में 5 जहाज़ जो हैं वो इंडिया के तबाह किए थे। तो ये वो वक्त था जिसने इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को मोरल दिया था और इनकी इज़्ज़त जो है वो दुनिया में जो है वो बुलंद हो गई थी। तो हमारे बच्चों को 6 सितंबर के बारे में पढ़ना भी चाहिए और उससे कुछ सबक भी हासिल करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, अब जो है वो मैं आ गई हूँ, ये एडमिशन रूम है जहाँ बहुत खूबसूरती के साथ जो है चीज़ों को डेकोरेट किया। बड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट है यहाँ का। ये देखें, ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए हुए हैं। उनकी पिक्चर्स को यहाँ पर इस तरह से फ्रेम करके लगाया गया और ये मिस बैठी हैं जो कि एडमिशन लेती हैं और अपने काम में मसरूफ़ है, इसलिए मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। ये देखें, मैं आपको बॉल दिखा रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो ट्री बना हुआ है, एक्सीलेंट, वेरी नाइस आइडिया। इसमें सारे वो बच्चे हैं जो कहना चाहिए जिनकी मेरे ख्याल से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी ये कि हम टीचर से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे ये क्या है? जी, ये सारे वो पोजीशन होल्डर्स हैं जिनकी अबव 90% जिन्होंने सिक्योर की थी, तो हमने उनके लिए उनके एक तरह से समझे उनके ऑनर के लिए हमने ये चीज़ें लगाई हैं, उनकी पिक्चर्स लगाई हैं ताकि जो नए एडमिशन आने वाले हैं वो इनको देखें और उससे इंस्पायर हों और वो भी सोचें कि कल को हमारी तस्वीरें भी यहाँ लगें ताकि वो भी अच्छे से मेहनत करें और इतनी ही परसेंटेजेस लें जितने के इन बच्चों में। अच्छा, मुझे बताइएगा एडमिशन के लिए जब यहाँ पर आ रहे होते हैं तो क्या आपको डिफ़िकल्टीज क्या फेस करनी पड़ती हैं? मतलब कितने सवालात होते हैं? सवालात की बौछार होती है, लेकिन हम यहाँ बैठे इसीलिए कि पेरेंट्स को मुतमईन करें और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ 10 साल हो गए काम करते हुए, तो अल्लाह का शुक्र है पेरेंट्स मुतमईन भी होते हैं और माशाल्लाह हमारे इस साल तो बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हमारी सोच से भी ज़्यादा माशाल्लाह एडमिशन्स हुए। वजह यह है कि हमारा कॉलेज इस वक्त कराची का माशाल्लाह एक माना हुआ कॉलेज इसको समझा जाता है और पेरेंट्स यहाँ आते हैं और विलिंग है यहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो प्रॉब्लम्स तो आती है लेकिन हम उसको कर लेते हैं और माशाल्लाह जो आते हैं या पेरेंट्स वो मुतमईन होकर ही जाते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे एक इन्वायरमेंट नज़र आया जब मैं आई, जाहिर है हमारा तो कॉलेज का वक्त गुजर गया लेकिन बड़ा मज़ा आया। मतलब मैंने अपनी उस लाइफ को उस कुछ सेकंड्स के लिए जिया तो बड़ा अच्छा लगा। एक बड़ा डिसिप्लिन मुझे नज़र आया जिस तरह से स्टूडेंट्स जा रहे थे और जिस तरह से क्लासेस यहाँ पे चल रही थी। लेकिन बहरहाल अभी तो क्लासेस ऑफ हो चुकी हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे बात की जाए और एडमिशन के हवाले से थोड़ा सा पूछा जाए। अब एडमिशन्स कब होने वाले हैं? एडमिशन्स अब तो हमारे फिनिश होने वाले हैं क्योंकि हम 9 के बेसिस पे लेते हैं। 4 महीने से हमारे एडमिशन प्रोसेस चल रहा था। अब इंशाल्लाह हमारा आखिरी टेस्ट होने वाला है, तो ये तो अब तो तकरीबन एंड पर। अच्छा, ये लैब है इनकी और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो क्लास ऑफ हुई है, इसलिए ये टेबल्स आपको खाली नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिखाना ज़रूरी था क्योंकि ये एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाया गया है और ये देख लीजिए अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। ये मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी में और आपको लाइब्रेरी का भी एक व्यू मैं दिखा रही हूँ। देखें, और ये टेबल्स इस तरह से बनाई हुई हैं। एक अच्छा सा व्यू है। अच्छा, यहाँ पे लाइब्रेरी के रूल्स भी लगे हुए हैं। एनवायरमेंट मुझे बड़ा स्ट्रिक्ट लगा यहाँ का। और ये देखिए, ये रीडिंग एरिया बड़ा खूबसूरत। आप इसको आके यहाँ यूज करिए कि बच्चे इस तरीके से बैठते हैं इंडिविजुअल और अपना कंसनट्रेट करके पढ़ सकते हैं, वो कंप्यूटर यूज़ करने के लिए। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये सेपरेट इन्होंने बनाई हुई लाइब्रेरी बॉयज़ के लिए कि यहाँ पर आके जो है वो अपने जो भी इनको पढ़ाई करनी है, जो भी इनको बुक्स चाहिए वो यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन बहरहाल यहाँ का जो एक एनवायरनमेंट मुझे नज़र आ रहा है वो बड़ा पीसफुल सा है, अच्छा सा है, चीज़ें बड़ी डिसिप्लिन के साथ हैं। और जब मैं अंदर आई उस वक्त छुट्टी का टाइम ही हो रहा था, तो मैंने यही देखा कि लोग टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की लाइन बनवा के डिसिप्लिन के साथ जो है उनको भेज रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सर आदम जी से मेरा ताल्लुक़ है, 15 ईयर्स से मैं यहाँ पर हूँ। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे यहाँ के, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चला रहे हैं इस इदारे को सभी लोग मिलकर। किसी एक शख्स का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी काविशों के साथ कोशिश करते हैं, बाकी रिज़ल्ट हमारा बताता है कि हम क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैं सर आदमजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में 4 साल से एज ए लाइब्रेरियन काम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्योंकि लाइब्रेरी का जो अपना एक रुझान है जो हम देखते हैं, पहले लाइब्रेरी बाहर भी हुआ करती थी, इंस्टीट्यूट के अंदर तो होती हैं, तो लोग वहाँ जाते थे, पढ़ते थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि लोग लाइब्रेरी पे इतना कहते हैं, गूगल पे तो सब कुछ मौजूद है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास ये है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के एक यूनिट जो है हफ्ते में ज़रूर होता है लाइब्रेरी का। और जैसे आपको मालूम है कि लाइब्रेरी बेसिकली किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रही होती है। तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो उस तरह की रीडिंग हैबिट के साथ तो नहीं आते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल ग्रेजुअली हम उन्हें किताबों की तरफ लाने की पूरी कोशिश करते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा जो है हमें इनपुट मिलता है और ये रिसोर्स जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। जी, आज का जो वीलॉग था वो सर आदमजी इंस्टीट्यूट के हवाले से था और आपको मैंने क्लासरूम्स वगैरह भी दिखाई हैं, उनका पूरा मैंने आपको एक विज़िट कराया, आपको आउट साइड जो बाहर का जितना भी एरिया है वो भी दिखाया। बहुत पीसफुल सा एक इन्वायरमेंट डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। लड़के और लड़कियाँ जो है दोनों यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी क्लासेस जो होती हैं वो सेपरेट होती है। इवन यहाँ पर आके मुझे ये पता चला कि इनकी ब्रेक भी सेपरेट होती है, फंक्शंस वगैरह में साथ होते हैं। यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मुझे जो नज़र आई वो ये कि जी मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना स्टूडेंट्स को क्लासरूम में अलाउ नहीं है, मतलब कैंपस के अंदर आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, जो कि बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे भी देखे हैं जिसमें स्टूडेंट जो है वो मोबाइल पे लगे हुए होते हैं और क्लासरूम में टीचर जो है वो खड़ा हुआ होता है और कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पर टीचर की रिस्पेक्ट को भी मेनटेन किया गया है और साथ साथ स्टूडेंट्स को भी डिसिप्लिन किया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये तमाम जगहें इसीलिए होती हैं ताकि आपको आदाब सिखाए जा सकें, आपको मैनर्स सिखाए जा सकें। और अगर कॉलेज का या स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरह का होता है कि जहाँ पर मैनर्स नहीं होते तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे नंबर भी नहीं लाते क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर बैकग्राउंड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि पोजीशन होल्डर्स हैं, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे लगाई गई ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हो सकें। तो यहाँ पर मेरा वीलॉग एंड हो रहा है। आई होप कि आपको जो है ये वीलॉग अच्छा लगा होगा। आपको डिफरेंट लैब्स भी मैंने दिखा दी, कंप्यूटर लैब भी देखी आप लोगों ने। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो लड़कियों के निकलने का रास्ता है वो ज़रा डिफरेंट है और लड़कों के निकलने का रास्ता डिफरेंट है। थोड़े थोड़े गैप से जो है वो इनको जो है फ्री किया जाता है घर की तरफ जाने के लिए। तो आई होप कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ पर शिकता यास्मीन यानी कि एस वाई को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगी किसी नए वीलॉग के साथ। हाफिज़।